खनन लीज मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन भेजे जाने के बाद राजनीति सरगमी तेज हो गई है। दूसरी तरफ बीते दिन ही सुरक्षा को लेकर ईडी द्वारा डीजीपी को पत्र भेजे गए हैं, जिसके आधार पर पुलिस मुख्यालय ने रांची एसएसपी को सुरक्षा को लेकर ऐतिहासिक कदम उठाने का निर्देश दिया है। बता दें कि रांची पुलिस राजभवन हरमू रोड, डिस्ट्रिक्ट भाजपा प्रदेश कार्यालय एयरपोर्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट ईडी कार्यालय और मोराबादी में होने वाली रैली के मद्देनजर बीती रात से ही सुरक्षा बलों की तैनाती का निर्णय लिया है। आज लगभग तीनों जगह मिलकर करीब 2000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाएगा। इसमें रैपिड एक्शन पुलिस, जैप की इको कंपनी, जैप 2, जैप 10 के अलावा रांची जिला बल और अन्य फुट के जवान शामिल रहेंगे। इसके अलावा शहर के विभिन्न मुख्य चौक चौराहों पर भी सुरक्षा बलों की तैनाती की जाएगी और जरूरत के मुताबिक भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग भी की जा सकती है। बाहर से आने वाले लोगों को सर्व प्रवेश को लेकर अधिकारियों के बीच विचार विमर्श किया जा रहा है। न्यूज विंग के लिए रांची से मनीष झा की रिपोर्ट। परदेसी घर आंगन बुलाए, छठी मैया रास्ता निहारे, फलवा से बहंग सजाए, परदेसी तेरा घर बुलाए। डफकॉन परिवार की तरफ से आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। डफकॉन, द ओनली सील फॉर टफ कंस्ट्रक्शन।